देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार चार धाम यात्रा 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए इसके लिए सीएम धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसके तहत ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम धामी द्वारा निर्देशित किया गया है कि चार धाम की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार है। पिछली बार 56 लाख श्रद्धालु आए थे और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज्यादा श्रद्धालु यहां आएंगे। इसके आगे उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा के दौरान जितने भी निकाय क्षेत्र हैं उसमें साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग इत्यादि चीजों को दुरुस्त किया जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिये, आप जानते हैं कि चार धाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए आर्थिकी का आधार भी है, चाहे उसमें छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक वो चारधाम यात्रा से सीधा जुड़ा है। इसके साथ साथ जो चारधाम यात्रा पे आने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से आप समझिए, लास्ट टाइम हमारे 56 लाख श्रद्धालु हमारे इस चारधाम यात्रा में, जो एक रिकॉर्ड है, इस बार हम उम्मीद करें इससे ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन उसके लिए लगातार हमारी बैठकें जारी हैं। अभी दो दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वयं मैं उस बैठक में शामिल था, तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उनसे सीधा सीधा कहा कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं हम लोग पहले से दुरुस्त कर लें। जहां तक मेरे विभाग की बात है, उसमें शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मेरे विभाग के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया है। विभाग के अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि उस चारधाम यात्रा के दौरान, वैसे तो हम पूरे उत्तराखंड की यदि बात करें तो उसमें भी वही बात करते हैं, लेकिन विशेषकर जो चारधाम यात्रा का मार्ग है वहाँ पे जितने मेरे निकाय पड़ते हैं, जितने हमारे निकाय इस क्षेत्र पड़ते हैं, उसमें चाहे साफ सफाई की बात हो, टॉयलेट सफाई की बात हो, लाइट्स स्ट्रीट लाइट की बात हो उस और पार्किंग की बात हो, ये चार मुख्य रूप से मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि हम लोग इसको दुरुस्त करें। क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको यदि साफ सफाई मिलेगी, टॉयलेट साफ मिलेंगे और जो स्ट्रीट लाइट है वो ठीक ठाक मिलेगी तो अच्छा लगेगा। जहाँ तक पार्किंग की बात है, इस दौरान मेरा जो विभाग है आवास, उसके माध्यम से 100 से ज़्यादा पार्किंग स्थल चयन किए गए हैं, जिसमें काम अभी गतिमान है, कुछ काम पूरा होने की स्थिति में। ज़्यादातर पे हम लोग पार्किंग का काम कर रहे हैं, टनल पार्किंग के भी लिए भी हम विचार कर रहे हैं, तो उस पर भी DPR वगैरह बन रही है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये सारे काम जो गतिमान है उसको हम पूरा कराएंगे, जो जहाँ जहाँ हमारी पार्किंग है उसको ठीक ठाक दुरुस्त करेंगे, ताकि आने वाले लोगों को, जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे तीर्थयात्री हैं, चाहे हमारे पर्यटक हों, उनको ठीक से सुविधाएं मिले।